हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल मऊ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट और पैन कार्ड नंबर कैसे लिंक करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने पीएफ यूएन नंबर को कैसे एक्टिवेट करें। यदि आप वह वीडियो नहीं देखें तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और साथ में यदि आपको पीएफ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है उस पर प्रॉपर हम सीखते हैं। तो सिंपली हर बार की तरह आपको आ जाना है मेंबर होम के पोर्टल पर, जो कि पीएफ का बिल्कुल ऑफिशियल साइट है। आपको यहाँ पर आ जाने के बाद अपना यूएन नंबर यानी आईडी और पासवर्ड, यूएन नंबर डाल और पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल करके साइन इन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे ही आपका पीएफ अकाउंट साइन इन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको आ जाना है केवाईसी वाले ऑप्शन में। यदि आपको अपने पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट और पैन कार्ड जोड़ना है तो आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पर आना पड़ेगा। चलिए हम आ जाते हैं केवाईसी वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन शो होंगे, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो हम सिंपली बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज बिल्कुल आप क्लियर मेंशन कर लीजिए, जो आपका नेम यहाँ पे पीएफ अकाउंट होल्डर यानी शो हो रहा है वही नेम आपके पासबुक पर होना चाहिए, अन्यथा आपका केवाईसी एरर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और एफएससी कोड डाल के अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहां पर अपना एफएससी कोड डालेंगे तो वेरीफाई एफएससी कोड का ऑप्शंस आएगा। तो वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है और एफएससी कोड वेरीफाइड आगे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहां सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार और रिडायरेक्ट कर देगा ओटीपी वाले ऑप्शंस पर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर आपका ब्रांच वगैरह सारा कुछ डिटेल में दिखने लगेगा। आपका अकाउंट नंबर ये है और ब्रांच नंबर ये है और कहाँ पे आपका ब्रांच है, वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगा। यदि सारी डिटेल सही सही दिखा रही है तो आप यहाँ पर ओटीपी डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमने ओटीपी यहाँ डाल दिया है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म प्रोसेस होगा और आपका जो अकाउंट नंबर डाला है आपने वो वैलिडेट होगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं केवाईसी डिटेल सेव्ड विल बी सीडेड आफ्टर ओनली डिजिटल अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड योर मोबाइल नंबर। यानी जैसे ही आपका अकाउंट नंबर अप्रूव होगा आपके मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि आपको जो अपने अकाउंट दिया था वो एम्प्लॉयर के थ्रू अप्रूव हो चुका है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंडिंग शो हो रहा है, तो यहाँ पेंडिंग नहीं शो होगा। अप्रूव्ड हो जाने के बाद आप पीएफ एडवांस वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हैं। अब चलिए सेम प्रोसेस है पैन कार्ड का, अब हम पैन कार्ड नंबर यहाँ पर ऐड करके दिखाते हैं। सिंपली हम पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका नेम शो हो रहा है पीएफ अकाउंट में यही सेम नेम आपके पैन कार्ड पर होना चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका नेम हर जगह बिल्कुल मैच करना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वैलिडेट किया जाएगा और वापस से ओटीपी वाले ऑप्शन पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका फिर वही पेज पर आ चुका है, यहाँ पे पैन नंबर आपका शो हो रहा है, उसके बाद एंटर योर ओटीपी पर क्लिक कर रहा है। तो चलिए जैसे ही ओटीपी आती है हम यहाँ पर डाल करके सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है, आपके डेटा को वैलिडेट किया जाएगा और आपने OTP जो डाला है वो सही है कि नहीं, सारी डिटेल जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं KYC डिटेल हैज बीन सेव्ड विल बी सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूव्ड बाई एम्प्लॉयर, यानी आपका KYC कम्प्लीट हो चुका है। यही सारी डिटेल यदि आप किसी शॉप पर जाकर कराते हैं तो आपसे 100 से 200 रुपये वो चार्ज करता है यही सारी डिटेल ऐड करने के लिए। तो आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आपने कैसे अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना है सारी डिटेल, अपने PF अकाउंट में कैसे ऐड करना है सारी डिटेल आपने इस वीडियो में सीख चुके होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।